हेलो दोस्तों, एसडी टेक्निकल क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो है आईटीआई पास सभी युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि उनके लिए एक बहुत बड़ी संख्या में जो है अप्रेंटिस भारत सरकार के एक जो है मिनी रत्न कंपनी वेस्टर्न कोल फील्ड WCL की तरफ से निकल करके आ रही है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि यह जो मौका मिला है आपको अप्रेंटिसशिप का, वो कितने पदों के लिए मिला है, कितने जगहों के लिए मिला है, इन सब पर हम जो है इस वीडियो पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो पर बने रहे। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले सभी आपको आईटीआई से संबंधित वीडियो सबसे पहले मिल सके और आईटीआई के हर एक प्रकार की जानकारी से आप लोग अवेयर रह सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वैकेंसी निकला है, ये आपका दिख ही रहा होगा कि वेस्टर्न कोयल फील्ड लिमिटेड WCL की तरफ से निकाला गया है, जो कि अप्रेंटिसशिप के लिए निकाला गया है आईटीआई के लिए। यह अगर हम लोग बात करें नोटिफिकेशन की, तो ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है 28 अक्टूबर 2022 को हुआ है। आगे इसमें देखेंगे कि आखिर इसका ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है और इसका ऑनलाइन फॉर्म आप लोग कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो सिंपली ये जो नोटिफिकेशन, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाएगा जहाँ पे आपको 2022-23 का दिखा गया है। अगर नीचे हम लोग इसमें बात करें, तो ये जो अप्रेंटिसशिप है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये अप्रेंटिसशिप के लिए आया गया है। अगर इसमें हम आगे बात करें कि कौन कौन से ट्रेडों को मौका दिया गया है, तो इसमें आईटीआई के बहुत सारे ट्रेडों, कुल 12 ट्रेड को जो है मौका दिया गया। अगर लाइन से हम लोग देखें, तो देखिए यहाँ पे जो है कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा के लिए जो है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट पे अलग अलग पद के लाए। कुल टोटल अगर हम इसके पदों की संख्या की बात करें, तो कुल 216 पद है, जो कि एक बहुत बड़ा संख्या है। तो जितने भी कोपा के स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आप लोग अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें, ये जो कोपा का 30 पद आया, वो WCL बल्लारपुर में एरिया में आया है। अगर दूसरे नंबर पे बात करें, तो चंद्रपुर एरिया में आया है। तीसरे पे वानी नॉर्थ एरिया में आया है, और उसके बाद वानी एरिया, ये नॉर्थ है, और फिर ये वानी एरिया है, फिर आपका माजरी एरिया आ जाता है, फिर आपका अमरेर एरिया आ जाता है, फिर आपका नागपुर एरिया। तो इसमें आप लोग लाइन से देख सकते हैं कि किन किस एरिया के लिए आपके कितने कितने पद निकाले गए। कुल टोटल यहाँ पे कोपा के लिए 216 पद मिलते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बता दें कि इसमें NCVT और STVT सभी लोग इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये जो भारत सरकार की वन ऑफ द मोस्ट मिनी रेत में बहुत बड़ी कंपनी है, जिसमें आप लोग जो है अप्रेंटिसशिप करके अपने भविष्य में आने वाले वैकेंसी के लिए इसमें जो है अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। तो इसमें अगर जिसको भी मौका मिलता है, जो भी यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, जरूर अप्रेंटिसशिप करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग दूसरा ट्रेड देखते हैं, फिटर। फिटर के लिए बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी निकल करके यहाँ आ रही है। कुल 221 पदों के लिए जो है यहाँ पे फिटर ट्रेड के मौका मिल रहा है, जो कि अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट के लिए, अलग अलग एरिया के लिए जो है अलग अलग पोस्ट है। अगर नीचे बात करें, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए बहुत अच्छी संख्या में वैकेंसी है, 228 कुल पदों में मौका मिला है। इसी तरीके से हम लोग वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिकल दोनों को जो है साथ में कंबाइंड मौका मिलता है। तो इसमें जो है 59 पदों के लिए जो है कुल वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपको दिख रहा होगा। वानी नॉर्थ में जो है 5 पद है, वानी एरिया में आपका 10 पद है, मजारी में 6 पद है, और आपका उमरेर एरिया में आपका 5 पद है, साथ ही नागपुर एरिया में 17 पद है, और पेंच एरिया में आपका 8 पद, फिर WCS पथरखेरा में आपका जो है 8 पद, कुल जो है 59 पद मिल रहा है। उसके बाद आगे बात करें, तो आपको वायर वन का कुल 24 पद यहाँ पे मिल जाता है। सर्वेयर के लिए यहाँ पे कुल 9 पद यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर मैकेनिक डीजल की बात करें, तो यहाँ पे 37 पद जो कि आपको मिल जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें मेसन ट्रेड, तो ये जो मेसन ट्रेड के जितने भी प्रशिक्षणार्थी हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उनको जो है जनरली कम देखने को मिलता है बेसिकली जो वैकेंसीज होती है उनके ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, 5 पद निकल के आते हैं। ड्राफ्टमैन सिविल की बात करें, तो यहाँ पे जो कुल 12 पद यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर मशीनिस्ट की बात करें, तो कुल 13 पद के लिए यहाँ पे मौका मिल रहा है। और अगर टर्नर की बात करें, तो यहाँ पे कुल 11 पदों के लिए आपको अप्रेंटिसशिप मंगाया गया है। साथ ही पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के लिए बात करें, तो यहाँ पे 5 पदों के लिए। अगर सभी एस्टैब्लिशमेंट को अगर हम लोग मिला करके बात करें कि कुल कितने पदों पर अप्रेंटिसशिप आया, तो कुल 840 पदों पर जो है यहाँ अप्रेंटिसशिप जो है निकल करके आया गया है। अब नीचे बात करते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाए।
तो देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ये जो है फ्रेशर के लिए होते हैं, इसमें हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम लोग आईटीआई पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आपको एस्टैब्लिशमेंट का नेम दिया गया है, उसका फुल एड्रेस के साथ आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा एस्टैब्लिशमेंट एड्रेस कहाँ पे है, बल्लारपुर कहाँ पे स्थित है आपका, चंद्रपुर का कहाँ पे स्थित है। इन सभी चीजों को आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके या इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली मिल जाएगा, जिसमें आप क्लिक करके डायरेक्ट इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जितने भी इस वीडियो को वॉच करते हैं, आप जरूर इस नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ा करें। जो चीजें हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं नॉर्मल चीजें जनरल इंस्ट्रक्शन पे, उनको आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग जो है नीचे चलते हैं, आप देखते हैं आगे की क्वालिफिकेशन इसमें जो है क्या मांगा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो देखिए सभी ट्रेड के लिए सेम क्वालिफिकेशन होने वाला है। अपने रिलेवेंट ट्रेड में जो है आपको जो है आईटीआई होना है, वो आपका एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों से हो सकता है। तो यहाँ पे जनरली बहुत सारे जगहों में जो है एससीबीटी को एलिजिबिलिटी नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे जो एससीबीटी वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि यहाँ पे सारे ट्रेडों में जो है एससीबीटी को एलिजिबल किया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि जितने ट्रेड यहाँ पे, नौ ट्रेड का कुल यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो नौ ट्रेड में जिन्होंने आईटीआई किया है उनको रिलेवेंट ट्रेड में जो है आपका आईटीआई होना चाहिए। साथ ही आप एनसीबीटी हो या एससीबीटी हो, दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हम नीचे चलते हैं, उसमें देखते हैं कि एज क्राइटेरिया वगैरह आपका क्या रखा गया है। तो देखिए नौ के बाद यहाँ पे तीन ट्रेड और आपको नीचे मिल जाता है, मशीनिस्ट, टर्नर और पंप ऑपरेटर, इनको भी सेम वही चाहिए, आपका आईटीआई होना चाहिए, साथ ही एनसीबीटी चाहे एससीबीटी ट्रेड हो। सिक्योरिटी गार्ड के लिए अगर बात कर ले, जो कि आपका फ्रेशर अप्रेंटिस पे निकल के आता है, जो जो कि टेंथ या टेन पास किए हैं, टेन प्लस टू की पद्धति में, वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे इसको अप्लाई करने के लिए। हम लोग बात करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होने वाला है, इसमें कौन लोग एलिजिबल होंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट देखिए, कैंडिडेट शुड पोसेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज इंडिकेटेड इन द अबव टेबल नंबर थ्री। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऊपर जो हमने अभी देखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में टेबल नंबर थ्री, और ये जो नीचे आपका फ्रेशर वाला था टेबल नंबर थ्री ए, इसमें जो भी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं वो सभी यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो हम लोग वहां पे लिखा गया है डायरेक्टली कि जो आईटीआई किया है, एनसीबीटी हो या एससीबीटी, वो यहाँ पे दोनों एलिजिबल है। उसके बाद दिया गया है कि कैंडिडेट शुड हैव फिजिकल फिटनेस एज पर द माइंस रूल, जो आपका कोयलफील्ड का माइंस रूल है 1955 के तहत, इसमें आपको फिजिकली जो है फिट होना चाहिए। अगर मिनिमम एज की बात करें तो आपको 22/11/2022 के नवंबर में मिनिमम आपका एज जो है 18 ईयर का होना चाहिए, 18 ईयर्स होना चाहिए। अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो जर्नल के लिए समान कैटेगरी के लिए जो है 22/11/2022 में आपको जो है 25 ईयर का होना चाहिए। और रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे एसटी और एससी को जो है 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। साथ ही अगर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ओबीसी के लिए 28 ईयर मैक्सिमम एज हो जाएगा, और अगर एससी एससी के लिए बात करें तो यहाँ पे 30 ईयर जो है मैक्सिमम एज हो जाएगा। उसके बाद नीचे दिया गया है कैंडिडेट शुड फुलफिल ऑल प्रोविजन ऑफ द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत, आपका जितना भी आपका नियम है उसको जो है फुलफिल करना चाहिए। उसके बाद बोला गया कैंडिडेट शुड हैव एन आधार कार्ड, कैंडिडेट के पास जो है आधार कार्ड होना चाहिए, और कैंडिडेट के पास देखिए यहाँ पे बोला गया कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड सेविंग बैंक अकाउंट नंबर विद द सेम डिटेल एज मेंटेनड देयर एजुकेशनल, मतलब जो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट में जैसा आपका नाम है उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है एक बैंक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद नीचे दिए गए कैंडिडेट शुड हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो कैंडिडेट जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां का जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। उसके बाद नवे नंबर पे बोला गया कि कैंडिडेट शुड हैव रजिस्टर्ड एट द अप्रेंटिसशिप पोर्टल ट्रेनिंग। देखिए ये जैसा कि हमें पहला भी हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो है अप्रेंटिसशिप के लिए, आपको बोला गया कि किसी भी जगह या किसी भी कंपनी से आपको अप्रेंटिसशिप करने के लिए इस पोर्टल एनएपीएस पोर्टल अप्रेंटिसशिप पोर्टल में जो है रजिस्टर होना अनिवार्य है। इसके लिए अगर आपको रजिस्टर करना सेल्फ रजिस्टर करना नहीं आता है तो हमारे चैनल पे जो है इसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है। साथ ही साथ अभी जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो सभी उस वीडियो को वॉच करें। साथ ही आप लोग अपने आप खुद से भी रजिस्टर इसमें कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात इसमें दिया गया है, बात करते हैं नीचे नॉन एलिजिबल कौन कौन कैंडिडेट हो गए। तो यहाँ पे नॉन एलिजिबिलिटी की बात करें तो हु हैव अंडरटेकन एनी प्रीसियस, देखिए जिन्होंने पहले अप्रेंटिसशिप कर रखा है या जो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं वो यहाँ पे जो एलिजिबल नहीं होंगे। उस वही बोला गया कि जो अभी कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद नीचे लिखे गए हु आर अंडर गोइंग एनी रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी रेगुलर कैंडिडेट फॉर एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अगर किसी भी इंस्टीट्यूट से आप लोग किसी रेगुलर कोर्स को कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। एंड नॉट एलिजिबल फॉर
कंसंट्रेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, कोई कंसंट्रेशन नहीं चलेगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए बताया जा रहा है। उसके बाद नीचे बात करते हैं स्टिपेंड, आपको यहाँ जो है स्टिपेंड सैलरी कितना मिलने वाला है, तो जो है यहाँ पे देखते हैं वन ईयर जो आईटी वाला ट्रेड है जैसे कोपा टर्नर मशीनिस्ट, तो उसके लिए जो है 7700 मतलब कि 7700 रुपए पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही टू ईयर ट्रेड जैसे फिटर इलेक्ट्रिशियन के लिए बात करें तो यहाँ पे 8050 रुपए जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और फ्रेशर जो 10 बेस से जाएंगे जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए दिया गया था उसके लिए जो है यहाँ पे 6000 आपको पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको किसी प्रकार का अलाउंस और कोई भी बेनिफिट जो है नहीं दिया जाएगा। अगर नीचे हम लोग बात करें और किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, तो नीचे हम लोग देखते हैं पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो जो पीरियड होगा आपका एक साल का होगा, 12 मंथ का जो है ये पीरियड आपका रहने वाला है। अगर हम लोग नीचे बात करें और तो रिजर्वेशन जैसे सब में होता है वैसे इसमें भी दिया गया है, तो इसको आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते, एप्लीकेशन प्रोसेस पे हम लोग एक बार फोकस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया कैंडिडेट शू हैव रजिस्टर्ड फर्स्ट एट द ऑफिशियल पोर्टल ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस, तो ट्रेड अप्रेंटिस का जो ऑफिशियल पोर्टल है NAPS, इसमें आपको रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। बार बार बोला जा रहा है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पे वीडियो है उसको जा करके आप लोग वॉच कर सकते हैं। इसके बाद देखिए वहां से अप्लाई नहीं होगा, इसका थोड़ा अप्लाई करने का तरीका है। इसमें आपको अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट शुड अप्लाई थर्ड ऑफिशियल वेबसाइट www.westerncoal.in में जा करके आपको जो है वहां से आपको ऑनलाइन करना है, तब आप जो है इस पे ऑनलाइन फिल कर पाएंगे। आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जा करके नहीं करना, यहाँ केवल आपको अपने आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर होने के बाद आपको यहाँ इस वेबसाइट पर जा करके आपको क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। इसके लिए आपको नीचे दिया गया है कि कलर रिसेंट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, साथ ही आपका सिग्नेचर होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। उसके बाद बोला गया कि कैंडिडेट कैन अप्लाई एनी वन एस्टैब्लिशमेंट, तो देखिए वहां पे जो है साथ या कितने जगह अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकल करके आया है, तो आपको किसी भी एक जगह के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद नीचे बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन शैल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी अदर मोड, अगर आप लोग ऑफलाइन मोड या एनी अदर मोड जैसे NAPS के थ्रू करेंगे तो इसको जो है आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो आपको जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ही अप्लाई करना है। उसके बाद नीचे देख लेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर कहने वाले, तो मैंने इस नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। इसका जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है वो आपका टेंथ और आईटी का जो मार्कशीट रहेगा उसके बेसिस पे जो है इसका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। साथ ही अगर परसेंटेज सेम हो जाते हैं उस कंडीशन में जो है आपका जो जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले रहेगा, मतलब बोल सकते हैं कि जो उम्र में बड़ा रहेगा उसको जो है पहले प्रिफर किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बात करें, तो आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका जब आपका अप्रेंटिसशिप में जो है सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको एक जो है कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन करना होगा जो आपका एक साल का रहेगा। उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे ये एक साल बाद ऑटोमेटिक जो है क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे जो है वीडियो लंबा हो जाता है। जनरल इंस्ट्रक्शन में जैसे सब में होता है वैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अब हम लोग नीचे इंपॉर्टेंट चीज बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब होगा, तो देखिए अभी केवल इसका जो है नोटिफिकेशन आया है जो कि आपका 28 तारीख को आ गया था। अगर हम लोग ऑनलाइन स्टार्ट कब होगा इसका बात करें तो ये जो है 7 नवंबर से आपका स्टार्ट होने वाला है, तो अभी जो है ये यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ है। और इसके लास्ट डेट की बात करें तो आपका 22 नवंबर 2022 रहने वाला है इसका जो है लास्ट डेट है, तो इसमें जो है अप्लाई करेंगे तो आप ये जो है 7 नवंबर के बाद ही कर पाएंगे। अगर आपको इसमें अप्लाई करना नहीं आएगा तो हमारी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है इसमें फॉर्म कैसे भरे इनसे संबंधित भी हर प्रकार के वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।